नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। कुछ रिश्ते हमें पहले से ही मिल जाते हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, खाला मामू वगैरह, और कुछ रिश्ते हम दुनिया में आके बनाते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त या हमारे लवाहिकीन, जैसे मियाँ बीवी वगैरह। कुछ रिलेशंस हमारे फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मल में जहां हम काम करते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्मल होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम घर पे हों या दोस्तों के साथ या अपनी वर्क प्लेस पे। यूजुअली हम रिलेशनशिप्स जब ख़राब करते हैं या जब मैनेज नहीं कर पाते, जब हम दूसरों पे अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, या फिर जब हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी ही तरह एक्ट करे, या जिस तरह से हम उसके साथ बिहेव करते हैं वो भी हमारे साथ उसी तरह बिहेव करे, हम उसको टोटली उसकी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो भी वैसा ही बन जाए जैसा कि हम हैं, तब हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर खराबी या कुछ तलखी आ जाती है। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, जैसे कि मुझे वाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है और मैं रोज व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनता हूँ। जब मैं अपना कबर्ड खोलता हूँ तो मेरा कबर्ड सारे व्हाइट कपड़ों से भरा होता है, तो मुझे चूज करने में आसानी होती है और मैं रोज व्हाइट पहनता हूँ क्योंकि मुझे फील अच्छा होता है। अगर मैं अपने पार्टनर को, जिसमें कोई भी हो सकता है, मेरे बहन भाई, दोस्त या मेरा स्पाउस, तो मैं उनको कह सकता हूँ, मैं उनको भी यही चाहूँ कि वो भी व्हाइट पहने और वो रोज व्हाइट पहने क्योंकि मुझे व्हाइट पसंद है। हो सकता है कि उनको व्हाइट पहनना पसंद हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और हो सकता है कि वो मेरे कहने पे व्हाइट पहन भी लें, एक दफ़ा पहन लें, दो दफ़ा पहन लें, तीन दिन पहन लें, हो सकता है पूरा हफ्ता या पूरा महीना व्हाइट मेरी तरह ही पहन लें। तो आप बताइए, ज़रा सोचिए कि क्या वो अपने दिल से पहन रहा है? नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए व्हाइट पहन रहा है, पहन रही हैं, जो भी हो। तो ऐसे में आप जिससे प्यार करते हैं, अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी हो सकता है, अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी खुल के जिएं, और मैं जो भी काम करूँगा उनकी खुशी के लिए ही करूँगा ताकि वो खुश हो। लेकिन अगर वो वाइट कपड़े मेरी वजह से पूरी ज़िंदगी भी पहन लें तो खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वो मेरी वजह से पहन रहे हैं, ना कि वो उसमें खुश हैं। यही गलती हम अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं। जो रिश्तेदार या जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारी ही तरह सोचें, हमारी ही तरह एक्ट करें, रिएक्ट करें, और जो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम बातें करते हैं, वो भी उसी तरह करें। और जब वो हमारी बात नहीं मानते क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं होती और हमारी अपनी पसंद की होती है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते और हमारी बात मानना नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं, हमें इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला मल्टीपल कलर्स पहनने का शौकीन हो, लेकिन हम उसे वाइट ही पहनाते जा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि वो वाइट इसलिए नहीं पहनना चाहता क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, जबकि वो बिल्कुल हमसे अलग है, उसका जहन अलग है। जैसे कि एक ही माँ बाप के बच्चे मुख्तलिफ जहनों के होते हैं, एक टेबल पर बैठते हुए भी वो मुख्तलिफ जायकों के आदि होते हैं। किसी को कुछ पसंद होता है खाने में, किसी को कुछ पहनने में अच्छा लगता है, और किसी को कुछ। तो ऐसे ही जब हम दुनिया में कोई रिश्ते बनाते हैं तो वो भी मुख्तलिफ जहनों के होते हैं। बहुत से लोग यूजुअली एक और गलती करते हैं, वो गलती ये है कि जब वो दुनिया में कोई रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो कोई ऐसा हो जिसको आप चाहते हो, तो जब वो कोई रिश्ता बनाते हैं तो रिश्ता बनाते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके होते हैं रिश्ता बनाने से पहले,
रिश्ता बनाने के बाद उसको फिर वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। अपनी पहली वाली एग्जाम्पल से ही रिलेट करूंगा, जैसे कि मुझे व्हाइट कपड़े पहनना पसंद है और मुझे कोई ऐसा अच्छा लग गया, चाहे वो मैं उसको दोस्त बनाना चाहता हूँ और उसको मुख्तलिफ कलर पहनने का शौक है। जब वो मेरा दोस्त बन जाए तो मैं उसको कहने लगूं कि अब तुम व्हाइट कपड़े पहनो। जब मुझे वो मुख्तलिफ रंगों में पसंद था ही नहीं तो फिर मैंने उसको पसंद किया कैसे? जब हम किसी को पसंद करते हैं हमें उसकी सारी खामियां सही लगने लगती हैं। जब हम उसको पूरी तरह पा लेते हैं तो हम उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना पहले ही किसी को अपने जैसा बनाओ और फिर उसको अपनाओ। अगर हमें वो उस हालत में पसंद ही नहीं तो हमने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? क्योंकि यूजुअली लोग यही गलती करते हैं, तभी अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सेप्ट जब करते हैं जब उनको खामियां पता भी होती हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहते। और एक्सेप्ट करने के बाद उन खामियों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो तब्दील नहीं कर पाते और ऐसे ही अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं। जबकि वो खामियां खामियां होती नहीं, सिर्फ हमारा अपना नज़रिया होता है। जैसे कि हज़रत अली का कौल है कि किसी भी चीज़ की कदर उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद होती है। तो ऐसे ही हम लोगों को पाने से पहले उसकी कदर करते हैं और जब पा लेते हैं तो उसकी बेकदरी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हम रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो दुनियावी रिश्ते हों या वो रिश्ते जो हमें पहले से मिल चुके हैं, हम उनको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें कि वो जैसा है जैसी है पूरी तरह परफेक्ट है। वैसे तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो जैसा है वो उस हालत में परफेक्ट है। मुझे उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर मुझे चेंज ही करना है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब एक्सेप्ट कर ही लिया है तो वो आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे और ये भी मानना शुरू कर देंगे कि मैं जैसा हूँ पूरी तरह परफेक्ट हूँ, अनलेस एंड अनटिल कि जब तक मैं खुद ना चाहूँ अपने आप को चेंज करना, तब तक ये ना हो कि आप खुद भी दूसरों के लिए अपने आप को बदलना शुरू कर दें और अपनी एक पहचान खो दें। जबकि आप जैसे हैं पूरी तरह परफेक्ट हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, जब ये आप मानना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। आप तंकीद करना छोड़ देंगे और लोगों को अपनाना शुरू कर देंगे। जब हम किसी रिलेशन में होते हैं तो वो रिलेशन उस पहाड़ पे चलती हुई गाड़ी की तरह होता है, जिसमें हम और हमारा पार्टनर, चाहे वो कोई भी हो, वो दोनों सवार होते हैं। तो वो पहाड़ कभी ऊपर कभी नीचे और कभी फ्लैट होता है और गाड़ी उस पर चल रही होती है। कभी गाड़ी डगमगाती है, कभी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन वो गाड़ी चलती रहती है। वो गाड़ी ऐसी जिसमें पेट्रोल या उसका फ्यूल ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो गाड़ी चलती रहे। और गाड़ी चलाने में मज़ा भी तब आएगा जब आप पूरी तरह प्रिपेयर होंगे कि आगे पहाड़ आने वाला है और आपको अभी ऊपर जाना है। फिर आप इस बात से प्रिपेयर होंगे कि आपको अब नीचे जाना है, और कभी आपकी गाड़ी डगमगाएगी और कभी बिल्कुल सीधी चलेगी। तो घबराइएगा मत, ये हर रिलेशन में होता है। ये गाड़ी कभी भी स्मूथली नहीं चलेगी, कभी भी ये गाड़ी पथरीले सरफेस पर नहीं चलेगी, बल्कि मुख्तलिफ सरफेस को फेस करती हुई ये गाड़ी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। ऐसे ही जब हम किसी रिलेशन में हों तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज क्या है रिलेशनशिप की। हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है उसको आपके पैसे से मतलब ना हो, बल्कि आपके क्वालिटी टाइम से मतलब हो, और आप अपने प्यार का इजहार उससे पैसों की मद में कर रहे हों, जबकि वो आपका क्वालिटी टाइम मांग रहा हो और आप अपना पैसा दिखा दिखा के उससे प्यार का इजहार कर रहे हों। ये भी सही नहीं होता, बल्कि हमें उसकी प्राइमरी लैंग्वेज को जानना होता है कि आया उसको हमारी किस चीज़ से ज़्यादा मतलब है। हो सकता है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्वालिटी टाइम हो, किसी की पैसे भी हो सकती है, किसी की शॉपिंग भी हो सकती है, या किसी को घूमना फिरना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज को समझना चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है। बहुत से लोग तो प्यार के दो बोल ही से पिघल जाते हैं और हम वही नहीं बोल पाते। जब हमारा पार्टनर क्वालिटी ऑफ टाइम मांगता है तो हम यूजुअली उसको कहीं घुमाने फिराने या खाना खिलाने ले जाते हैं, या हो सकता है कि हम उसके साथ मूवी देख रहे हों और हमें लगता है कि हम उसके साथ एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जबकि क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना ये नहीं होता कि आप घूमें फिरें, खाएं पिएं या मूवीज देखें, क्योंकि
जब हम अपने पार्टनर के साथ कोई मूवी देख रहे होते हैं तो हम अपना एंजॉय करते हैं और हमारा पार्टनर अपना एंजॉय कर रहा होता है। हम सिर्फ साथ एंजॉय करते हैं, ना कि एक दूसरे को। एक दूसरे को एंजॉय करने के लिए एक दूसरे की बातें सुनें, एक दूसरे को देखें और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें, तभी हम अपना क्वालिटी ऑफ टाइम मजीद स्पेंड कर सकेंगे और उस रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जैसे कि एक कोई कॉटन का कपड़ा होता है, उसके दो हिस्से कर दिए जाएं, एक का शलवार कमीज बना दिया जाए और दूसरे की कोई शर्ट बना दी जाए, दोनों बने तो एक ही चीज से है ना, भले दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही इंसान भी होता है। अगर आप इन चीजों पे गौर करने लगेंगे कि जो है जैसा है परफेक्ट है और ये आया भी तो मेरी ही तरह है, इसका भी तो ओरिजिन वही है, तो फिर आप हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।